आप सबका दिल से स्वागत। सबसे पहले जो जो मुझे ब्लेसिंग देते हैं कमेंट के अंदर, उन सबको दिल से थैंक यू सो मच। जैसा आपने थंबनेल में देखा, विकी और कतरीना के बीच एग्जैक्टली क्या हुआ, उस पर पब्लिक ने क्या कहा, वो हम देखेंगे। उसके बाद एंड में जो स्टोरी है, हॉरर नहीं है, स्कैरी नहीं है, पर एक आदमी को कोई सवाल है, उसका जवाब जानने के लिए कहाँ पर जाता है, और जब वो जाता है उसके बीच की जर्नी में क्या क्या होता है, कौन कौन मिलता है, क्या उसे कोई नुकसान होने वाला है, क्या वो वहाँ पर सही सलामत पहुँच जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इतना भी मिस मत करना, एंड में है वो स्टोरी। उसके अलावा आज मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा, हाँ मतलब मैं नहीं दिखाऊंगा, एक जादू का वीडियो दिखाऊंगा, और उसके ऊपर पब्लिक ने क्या रिएक्ट किया वो बताऊंगा। और ये सब चीज़ के साथ सलमान खान का वीडियो, शाहरुख खान का वीडियो, मुनावर का वीडियो, मनारा का वीडियो, अभिषेक का वीडियो, अमिताभ, ऐश्वर्या, कियारा आडवाणी, कृति सेनन, शाहिद कपूर, इब्राहिम, पलक, मतलब आज का वीडियो भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। वीडियो चालू करने से पहले जो हम रोज़ करते हैं, एक छोटी सी प्रेयर, ये पूरी दुनिया में अमन शांति रहे, ऊपर वाला हर इंसान को अच्छा दिमाग दे ताकि उससे कभी कोई गलत काम ना हो, बुरे काम ना हो। आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, हर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, ऊपर वाला ना करे, तकलीफ़ आती भी है, बस उस पर भरोसा रखना, थोड़ा सब्र पेशेंस रखना, तकलीफ़ चले जाएगी, आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशी आए। हम वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए विकी और कतरीना का वीडियो। अब हम देखते हैं पब्लिक रिएक्शन। शी रियलाइज द रिस्पेक्ट शी गॉट वेन शी वॉज विद सलमान एंड रणबीर इन अंबानी फंक्शन। यू पीपल डू नो हजबेंड एंड वाइफ हैव आर्ग्यूमेंट्स इवन इफ दे आर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, यू ऑल आर सो नोसी, कैट नीड थेरेपी, जस्ट हजबेंड वाइफ थिंग्स। भूल गई होगी कुछ गाड़ी में, अनदर रीजन। वाई दी हेल इज एवरी वन सो बिटर इन दिस कमेंट सेक्शन, दे आर कपल, आर्ग्यूमेंट्स होती है, चिल। ओ गॉड, शी हैज़ ऑलवेज सो मच ऑफ एटीट्यूड, सो सैड फॉर दिस गाय, देयर रियलिटी विल ऑल्सो कम आउट जस्ट लाइक रणबीर एंड दीपिकाज डिड। ही इज टफ बॉय, ही विल नॉट टेक हर शिट, ओनली विथ सलमान यू कैन शो दिस एटीट्यूड, बिकॉज ही लुक्स लाइक रणबीर नाउ। मूवी नहीं मिल रही, क्या करे, दे डिड नॉट इवन होल्ड हैंड्स, हनीमून फेज इज फाइनली ओवर। पोपट हो गया, रियली हार्ड वैन यू डू एक्टिंग इन योर रियल लाइफ, वाइफ बनने की एक्टिंग। ये थर्ड वाला कमेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। शी इज़ एक्चुअली पिस्ड ऑफ बिकॉज विकी बादाम भिगोने भूल गया और ब्रेकफास्ट में बादाम मिसिंग था। भाई लेट देम बी, कपल है, मैरिड है, लिटरली इट हैपन्स इन एवरी मैरिज, नो बिकी, दे आर जस्ट ह्यूमन लाइक द रेस्ट ऑफ अस। बॉलीवुड में सबसे पहले हम देखते हैं सलमान खान। शाहरुख खान। कृति सेनन कहां पर अटक गई और शाहिद कपूर आया उनकी मदद करने के लिए। सैफ अली खान का लड़का इब्राहिम अली खान और पलक। मुनावर। अस्सलाम वालेकुम और सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक, सबको रमजान मुबारक हो। मनारा। अभिषेक। अब मैं आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और रौरी का वीडियो दिखाऊंगा, उसके साथ मेरा थैंक्स का वीडियो चालू होगा छोटा, और बाकी के वीडियो बाकी है,
वो जादू वाला वीडियो बाकी है, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी बाकी है, अमिताभ बच्चन अभिषेक का वीडियो बाकी है, वो सब चीज़ें मैं बताऊँ उसके पहले आप सबको थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी कल की वीडियो लाइक की, कमेंट किया, जो आज की वीडियो लाइक करेंगे कमेंट करेंगे। और अगर आप लाइक और कमेंट नहीं भी करते हो, आप चैनल पर आते हो, आप वीडियो देखते हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अभिषेक, ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन की छोटी वीडियो। अब जो मैंने बोला था आपको एक जादू का वीडियो दिखाऊंगा, देखिए। ये जादू कैसे? ये जादू क्या है? प्रभु की कृपा। गाड़ी कौन चला रहा है? ऊपर वाला। ये जोरदार जोरदार एकदम। इस पर हम देखते हैं पब्लिक रिएक्शन। भाई मेरे को ड्राइवर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? गिरेगा तो प्रभु अस्पताल में आएंगे। यमराज लाफिंग इन कॉर्नर। आई रिपीट, इंडिया इज़ नॉट इवन फॉर एक्सपर्ट्स, इंडिया इज़ ओनली फॉर इंडियंस, इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगनर्स। ईट 5 स्टार, डू नथिंग। इसने हवा को ड्राइवर रखा हुआ है, इसे कहते हैं राम भरोसे। स्पेशली एबल्ड पर्सन। चाचा आपकी ज़िंदगी अनमोल है, आपके बीवी बच्चे रास्ते पर आ जाएंगे, ऐसा गलत ना करें। आई एम वेटिंग डेट समवन विल कम एंड एक्सप्लेन द साइंस बिहाइंड दिस। ये गिरा ही नहीं, मैं गिरने का इंतज़ार कर रही थी। गाड़ी प्रभु चला रहे हैं और अपने साथ अपने घर ले जाने वाले हैं। ये भाई साहब लिखते हैं, यमराज उसको बाइक पर लेके जा रहे हैं, उनकी भैंस आज काम पर नहीं आई तो बाइक लेकर आ गए हैं। मेरा कैरियर भी कुछ इसी तरह चल रहा है। अरे भाई अपने परिवार का तो सोचो, प्रभु की कृपा है आपको बाइक पर लेके जाएंगे घर। यहाँ साला हैंडल पकड़कर नहीं चलाया जाता है, मेरे से अच्छे तो ये अंकल है। एक 28 साल का लड़का, उसकी पढ़ाई हो गई पर वो गरीब है। उसे ऐसा होता है कि मैंने पढ़ाई कर ली, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो भी मैं क्यों गरीब का गरीब हूँ, मेरे पास क्यों पैसे नहीं आ रहे। अब होता क्या है, एक पड़ोसी गांव में एक बाबा आए हैं जो सब लोगों को देखते हैं और देखकर वो लोग जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब देते हैं, तो ये लड़के को उसकी जानकारी मिलती है। ये लड़का निकल जाता है उस बाबा से मिलने के लिए। ये जंगल में चलते रहता है, उस बीच रात हो जाती है। अब रात होने पर इसे कहाँ पर रुकना है, इसे जंगल में दिखता है एक घर। वो घर के अंदर जाता है, घर के मालिक को पूछता है, जंगल के बीच में आपका घर? घर का मालिक जवाब देता है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर शहर है और हमारा लकड़ी का काम है तो हम यहाँ पर ही रहते हैं। तो लड़का कहता है कि आज की रात मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ? तो आदमी कहता है हाँ ठीक है। आदमी कहता है पर तुम इस तरफ आए क्यों? वो लड़का कहता है मेरे दिल में ना मेरी ज़िंदगी को लेके कुछ सवाल है, वो मुझे एक बाबा को पूछना है, जो आए हैं वो सबके सवाल का जवाब देते हैं। तो ये आदमी रहता है, ये कहता है कि मेरी लड़की बचपन से गूंगी है, अब वो 21 साल की हो गई है, तो मुझे बाबा को पूछना है कि वो कब बोलने लगेगी। तुम बाबा के पास ही जा रहे हो तो ये पूछ लोगे? तो लड़का कहता है कि हाँ मैं आपका सवाल पूछ लूँगा। सुबह होती है, वो निकलता है। अब रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिलता है जो जादूगर होता है। जादूगर उसे पूछता है तू इस तरफ क्यों जा रहा है? तो वो उस जादूगर बाबा को भी बताता है कि ऐसा ऐसा है। वो जादूगर बाबा बोलते हैं क्या तू मेरी मदद करेगा? वो बाबा से मेरा सवाल पूछेगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं स्वर्ग में कभी जाऊँगा? तो ये लड़का कहता है हाँ पूछ लूँगा। अब ये वहाँ से निकल जाता है। ये थोड़ा आगे जाता है तो इसे कछुआ मिलता है। अब कछुए में से आवाज़ आती है, कहाँ पर जा रहे हो? लड़का शॉक हो जाता है और कहता है तुम कछुए हो और तुम मेरी भाषा में बात कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? कछुआ कहता है कहाँ पर जा रहे हो? तो वो कछुए को ही बताता है कि ऐसा ऐसा है। कछुआ बोलता है मुझे ड्रैगन बनना है, तुम वो बाबा से क्या ये पूछ सकोगे कि मैं ड्रैगन कैसे बन सकूँगा? तो ये आदमी कहता है वो तो मैं पूछ लूँगा, बट तुमने मेरी भाषा में कैसे बात की? तो कछुआ बोलता है मेरे पास भी कुछ जादुई शक्तियाँ हैं पर पूरी तरीके से नहीं है। आदमी बोलता है ठीक है। अब वो वहाँ से चले जाता है। वो फाइनली बाबा के पास पहुँचता है। वो जैसे बाबा के पास पहुँचता है, बाबा बोलता है मुझे पता है तू मेरे पास क्यों आया है, अब या तो तू वो 3 सवाल पूछ ले या तो तू तेरे दिल का सवाल पूछ ले। लड़का रहता है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं वो 3 लोगों का सवाल पूछूँ या मैं मेरा सवाल पूछूँ। अब वो डिसाइड करता है मैं बहुत मेहनत करूँगा, अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो मैं पैसे वाला बन जाऊँगा, पर वो जो जंगल में आदमी था उसकी लड़की गूंगी थी तो वो ज़रूरी है।
दूसरा वो जादूगर था, वो बुज़ुर्ग था, तो वो भी पूछना ज़रूरी है। ये कछुए के पास जादुई शक्ति, उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे भी अपने आप को बदलना है, तो क्यों ना मैं ये तीन लोगों के बारे में पूछूं। वो बाबा से कहता है मुझे तीन सवाल पूछने हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो तू जाएगा तो तुझे कछुआ मिलेगा, कछुए को कहना उसका कवच छोड़ डाले तो वो ड्रैगन बन जाएगा, उसके बाद तुझे वो जादूगर मिलेगा। जादूगर को कहना तेरे जो हाथ में जादू की छड़ी है, वो छड़ी जब तू किसी और को दे देगा तो तू स्वर्ग में पहुंच जाएगा, और उसके बाद तू वही घर पर जाना जो घर पर उन लोगों ने तुझे आसरा दिया था, और उस घर पर जाकर बोलना कि वो गूंगी लड़की की अगर उसका बाप शादी करा देता है तो लड़की बोलने लगेगी। तो ये बाबा का शुक्रिया करता है और ये निकलता है। सबसे पहले उसे कछुआ मिलता है, कछुए को कहता है तू तेरा कवच छोड़ तो ड्रैगन बन जाएगा। कछुआ कवच छोड़ देता है, वो ड्रैगन बनता है और गायब हो जाता है। पर उसके कवच में से बहुत सारे हीरे मिलते हैं और आवाज़ आती है ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे हैं, तो वो ले लेता है। आगे जाता है, उससे जादूगर मिलता है, वो जादूगर को बोलता है ये छड़ी जिस दिन तू किसी को दे देगा तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। तो जो जादूगर रहता है वो कहता है मैं किसी और को देने की जगह पे तुझे देना चाहता हूँ, इससे तेरी हर अच्छी ख्वाहिश पूरी कर सकेगा तू। तो छड़ी उसे देता है, वो जादूगर रहता है, वो गायब हो जाता है, वो स्वर्ग चले जाता है। अब ये जाता है जंगल में उस घर पर, उस घर पर जाकर बोलता है बाबा ने कहा है आप आपकी लड़की की शादी करा दोगे तो वो बोलने लग जाएगी। तो वो जो गूंगी लड़की का बाप रहता है वो कहता है मुझे तो तू बहुत अच्छा लगता है, मैं तुझसे ही मेरी लड़की की शादी करा दूंगा। तो वो जरा भी हिचकिचाता नहीं है कि लड़की गूंगी है, क्या पता बोल सकेगी या नहीं, वो शादी कर लेता है। जैसे वो शादी करता है लड़की बोलने लग जाती है। अब उसके बाद ये लड़के के दिल में एक ही सवाल रहता है कि मैं सवाल पूछने गया था कि मैं अमीर कब बन जाऊँगा, तो मैंने तो सवाल पूछा भी नहीं और मैं अमीर बन भी गया। और वो सोता है और उसके सपने में गॉड आते हैं और कहते हैं क्योंकि तू तेरी मेहनत करते जा रहा था, अच्छे काम करते जा रहा था, थोड़े टाइम के बाद मैं तुझे कामयाब तो करने ही वाला था, पर जिस तरीके से तूने तेरे बारे में नहीं सोच के दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, तो जो काम मैं थोड़े टाइम के बाद करने वाला था वो मैंने अभी कर दिया। मैंने तुझे सिर्फ पैसे वाला नहीं बनाया, अच्छा जीवन साथी भी दे दिया। और अचानक उसकी आँख खुलती है और वो ऊपर वाले के सामने ऐसे हाथ जोड़कर शुक्रिया करता है। होप आपको कहानी पसंद आई हो। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है थोड़ा सब्र पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की, इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।